रुक गाने सुन रहा है, यहाँ से गाने चल रहे हैं इसका। रूरा रूरा सुनाई दे रहा है आपको? Five little fish she's swimming in the water. Bubble, 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 pop. The next day. बस प्यार प्यार प्यार। ये क्या चल रहा है? उधर भी देख रहा है, इधर भी चल रहा है। डांस भी कर रहा है, उधर भी खेल रहा है, टीवी देख रहा है। एक लू? बंदर? मुझे कितना मस्त हो रहा है। मुंह जले हुए दूध का। अब बंद करा है। A few moments later. आज इस लड़की ने परेशान कर लिया, पूरे दिन नहीं सोई और सोने के लिए गोदी चाहिए तो गोदी में सुलाया है, अब जाके सोई है। लगभग 4 बज गए दिन में। ये बस परेशान करती है, मतलब आज ही करा है। परेशान भी क्या, वो इतनी क्यूट लगती है मुझे उस टाइम पे, जैसे गोदी में ले लिया तो चा सो गई, वरना सोई नहीं रही थी। अब देखो तो मस्त सो रही है। मेरा गुल्ला छोटा चकुल्ला छूने लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है छोटा। सो दो दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है और दो दिन से मैं लगभग इसी बेड पे रही हूँ, तो कुछ ऐसा मौका भी नहीं मिल पाया कि मैं कर पाऊँ। कल तो मुझे बुखार भी आ गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि रात में, जो लास्ट नाइट थी, रात में मैंने इसको दूध पिलाया तो उसमें गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 4 घंटे का गैप हो गया लगभग, क्योंकि ना तो उसने चिड़चिड़ करी और अलार्म लगाना भूल गई मैं, तो 4 घंटे बाद उसको मैंने फीड कराया। तो उसके चक्कर में कि अगर मिल्क नहीं निकलता तो फिर आपको फीवर आ जाता है, उसके चक्कर में मुझे फीवर आ गया। मेरे कल पूरे दिन ऐसे बुखार से मैं पड़ी रही हूँ। फिर मैंने कल दवाई भी ली और इसके लिए मिल्क पंप करके निकाल करना पड़ा, क्योंकि मैं दवाई के साथ मैंने इसको फीड नहीं कराया। तो 3-4 घंटे जब हो गए उसके बाद मैंने इसे फीड कराया। तो कल पूरा दिन ऐसे ही गया, क्योंकि बस अगर ये मतलब दिक्कत सी हो गई है कि अगर फीड नहीं भी करा तो मैं फीवर आ जाएगा। बॉडी पूरी ऐसी कि जॉइंट पेन कर रहे हैं सब। तो कल पूरे दिन मैं सिर्फ पड़ी रही हूँ, कल कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद फिर आज ये है कि आज ये सुबह से गोदी में ही सोने का मन कर रहा है इसका। सिर्फ गोदी में जैसे लेके बैठे हो तो मस्त सो रही है, और जैसे ही नीचे लेटाया रोना शुरू कर रही है। तो इसके लिए पालना भी निकलवाया मम्मी से कह के, तो यहाँ पर ये पालना पड़ा हुआ है। ये रूरू का पालना है, तो इसको हम अभी मतलब असेंबल करेंगे। इसके ना पेच नहीं मिल रहा, तो नहीं पेच काम गए जो सारे में असेंबल करने के, तो पेच ढूंढेंगे इसमें असेंबल करेंगे, जिससे कि ये मैडम आराम से उसमें सो पाएँ। और ये इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। जब रूरू थी तो बाबा इसको झुलाते थे, तो एकदम जैसे ये सामने आया तब एकदम से ये याद आया कि यार इसे मतलब बाबा ऐसे झुलाते रहते थे दिन में बैठे बैठे रूरू को। तो बाबा वैसे मुझे उन्होंने पता है कि बाबा इस टाइम पर होते तो बहुत खुश होते और सही सलामत होते ना इस टाइम पर, तो रूरू को बाहर घुमाने लेके जाते, इसको खिलाते, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मतलब बाबा जब हमारे साथ थे तो बाबा घर के बहुत सारे काम करते थे, सब्जी वब्जी लेके आना, कोई भी घर का सामान लेके आना, बाहर बच्चों को घुमाना, तैयार करना, लाना, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बाबा हमारे कर देते थे। तो एकदम से मुझे एकदम याद आई बाबा की इस चीज़, इस झूले की वजह से। कार में जब भी बैठते मुझे एकदम से याद आती है, सबके सब एक साथ बैठते हैं, तो बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे लिए, बहुत 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 कुछ। तो आज का बस ये था कि आज का दिन भी मेरा ऑलमोस्ट ऐसे ही कट गया। तो आज मैं वैसे सोच रही कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊं जो कि मुझे अभी आफ्टर मतलब पोस्टमार्टम में मुझे क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। जैसे कि जो अभी न्यू जिनकी डिलीवरी हुई है या फिर होने वाली है, तो उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या क्या चीज़ों की सही में ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा मैं इसे सेटल कर दूँ, हल्की से करने लग रही है ये। ये मम्मी ने यहाँ पर इतनी सुंदर खीर बनाई है, खाई किसी ने आज तक ऐसी खीर? और पता है मैंने मम्मी का ऐसे मेवा डालते हुए शॉट लिया, तो गुमार क्या मम्मी को? पता क्या करी? तो करी मैंने सुगंध से पहले कही थी ये बन रही है, तो कही और चला अंदर से और चला। मैंने तो बस ये कहा था कि 10-15 मिनट क्योंकि ड्राई फ्रूट डालते वो थोड़े फूल जाएंगे, ये तो उसे रख के सो गई। और चला दो, और 2 घंटे खुशबू नहीं आई थी। मैंने उससे पहले गई थी, मानती हूँ कोई है ना, तो मैंने कहा कि तो मतलब तुम क्या कहना चाहते हो उसमें, अब किसकी गलती है? नहीं वो मानती नहीं, मैं किसकी गलती है मानती है? मैंने कहा मम्मी एक्सेप्ट करना शुरू आज मम्मी फंस गई हैं। मैंने कमर में पाव
ये नंगू बन के क्यों घूम रहे भाई, नंगू बन के। सो सबसे ज़्यादा जो मेरे को इस टाइम पर नीड हुई है वो मेरे को हुई है ये मैग्नेटिक पैड्स। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे हॉस्पिटल में जब मैं गई थी तो उन्होंने अपने आप खुद ही पैड लगाए थे, तो मुझे हॉस्पिटल में ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप एक बार जब भी अपने हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल बैग जब रेडी करते हो, तो एक बार कन्फर्म कर लेना कि जिस भी हॉस्पिटल में आप जाओ कि वहाँ पर पैड्स वगैरह अवेलेबल करवाएंगे आपको कि नहीं करवाएंगे। बट ये है कि हाँ आपको लेने तो पड़ेंगे क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने उसके लिए ये मैग्नेटिक पैड लिए। इसमें जब आपका अच्छा खासा जो फ्लो होता है, क्योंकि ब्लड बहुत अच्छा खासा आता है, तो उस टाइम पर आपको ये मैग्नेटिक पैड चाहिए, क्योंकि थोड़े से बड़े होते हैं तो ये आपका पूरे दिन जैसे भी है उस हिसाब से ले लेते हैं। तो मैंने ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज मैं मंगवाया था, और ये मैंने तभी मंगाया था जब मैंने आपको अपना हॉस्पिटल पर दिखाया था उस टाइम पर। उसके अलावा मैंने डायपर्स भी लिए थे। मुझे लगता है डायपर्स जब आपको हैवी फ्लो हो रहा है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वो पहनो और निकालो, ये आपको फिर वही पैंटी में लगाना पड़ेगा तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मेरे को लगता है कि डायपर्स ज़्यादा कंफर्टेबल है, पर आपको लगता है हल्का फुल्का अब सही चल रहा है तो उस टाइम पर फिर आप इस चीज़ को इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो जब आपका ब्रेस्ट जब मिल्क अच्छा खासा बन लग जाता है तो उस टाइम पर आपको ये वॉशेबल ब्रेस्ट पैड ले सकते हो, जो अब ज़रूरत पड़ रही है, लगभग 20 दिन बाद ज़रूरत पड़ रही है इनकी। तो आप अपने हिसाब से इनको ले सकते हो, लेकिन इनकी इनकी लेकिन ये है कि नीड होती ही होती है, थोड़ा सा लेट जाके होगी लेकिन होगी। तो ये विदाउट वॉशेबल भी आते हैं, पर मेरे को लगा कि यार अगर हम पैसे डाल रहे हैं तो थोड़े से और पैसे डाल के ये वॉशेबल वाले ले लेते हैं कि ये वॉश हो जाएंगे और फिर यूज़ कर लो। तो इसमें 6 ऐसे आए हैं तो मुझे लगता है कि 4 ही यूज़ हो पाएंगे, और जो दो बच्चे हैं मैं सोच रही हूँ सोना को दे दूँगी। एक सोना को भी आगे अभी 3 महीने बाद पड़ेगी, उसके अलावा उनके पास हैं, पर मैं सोच रही न्यू वाले जो होंगे इनको रख के वेस्ट क्यों करना है, सोना को दे दूँगी मैं ये। उसके अलावा मेरे पास ये एक ब्रांड से मतलब मेरे को ये रिसीव हुआ था ये मैटिव का, तो ये आप ले सकते हो ब्रेस्ट पम्प का। इसमें एक्चुअली क्या है, जो मैं नॉर्मल अभी यूज़ कर रही हूँ वो मुझे सोना नहीं दिया था, उसमें यह कि मुझे पकड़ के रखना पड़ता है जब मैं पंप कर रही हूँ, इसमें पकड़ के नहीं रखना है उसको, सिर्फ अपने ब्रा में एडजस्ट करो और अपना जो भी काम वाम करना आप करते रहो। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन अब मुझे दोनों में से किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसी आप सीख गई है फिट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो छोटी थी तो उसे फिट करना नहीं आ पा रहा था, अब वो आराम से फिट करने लगी है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही इनकी। बस कभी कभी जैसे कि मुझे कल आया था फीवर आ गया था, तो उस चक्कर में क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उस टाइम पर मुझे पंप करके निकालना पड़ा जैसे कि मैं फीवर से ठीक हो जाऊँ। तो अभी मुझे इतना हो गया कि मुझे ज़्यादा टाइम का गैप नहीं करना है, लास्ट 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर मुझे उसे फीड कराते रहना है जैसे कि मुझे फीवर ना है। तो अगर किसी के सके फीड करना नहीं आता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मिल्क बनता है और बेबी उतना ले ही नहीं पाता है, तो उस टाइम पर आप निकाल सकते हो जैसे कि आपको दिक्कत ना हो, तो उस टाइम पर ये जो पंप वाला है ये बहुत ज़्यादा काम आता है, या फिर जो ऑफिस वाले हैं जो काम वाम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा यूज़ रहता है इसका। मुझे बहुत गंदी पसंद है हमारा यहाँ पर, क्योंकि पंखा नहीं चलाया, क्योंकि लोगों को फिर आवाज़ अच्छे से नहीं आती, क्लियर नहीं आती है, तो मैंने सोचा कि एक बार ढंग से बता दूँ। तो ये बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। उसके अलावा है ये आपके जिप वाले ये मैटरनिटी गाउन्स वगैरह, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है कि हर 2.5 घंटे बाद फिट कराना है, तो फिर जो नॉर्मल आप जो कपड़े पहनते हो उसमें से बाबा फिट कराना बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो इसमें जिप ओपन करो और फिट कराओ फिर बंद कर लो, तो ये ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो मेरे पास अभी ब्रांड से ही, मुझे खुद इतना बाय करने की जरूरत पड़ी नहीं, जो ब्रांड से इतने सारे रिसीव हो गए तो कि मेरा उससे काम हो जाता है, मेरे पास अब बहुत सारे हो गए हैं। और फिर मुझे 2-3 सुनाने भी दिलाए थे, तो अभी फिलहाल ये कि मेरा जो मेन जो मुझे लगता है कि आपको आफ्टर मतलब जो है आफ्टर डिलीवरी ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि लोग बताते नहीं हैं। मैग्नेटिक गाउन्स ले लो यार, या फिर टी शर्ट्स ले लो जो कंफर्टेबल थोड़ा सा लगे, कहीं बाहर बार जा रहे हो तो उस टाइम पर बहुत अच्छा वर्क करता है वो। और घर में भी यार बार बार कौन वो अनकंफर्टेबल से कपड़े पहनो निकालो फिर करो, या फिर वो मैक्सी सी भी तो नीचे तक पूरा उसको ऊपर करो फिर पहनाओ, तो बेटर है कि ऐसा कुछ ले लो जो कि या फिर जिप वाला हो ऊपर से बटन वाले हों तो वो फिट कराने में बहुत इजी रहता है। पैड्स हो गए और यही फीडिंग का, बस ये सारी चीज़ें जो कि मुझे लगती है कि ज़्यादा नेसेसरी हैं। उसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे वीडियोस बनाऊँ कि बेबी के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है और क्या क्या चीज़ें वेस्ट ऑफ मनी है, जो कि मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट कर दिया कि मुझे उस टाइम पर नहीं करना चाहिए था, बट मुझे आइडिया नहीं था और
उस टाइम पर मैंने ले लिया। तो आपको मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगी, और मैं भी एक दो दिन में सोच रही हूँ कि अपना जो आपको सी सेक्शन डिलीवरी का अपनी पूरी स्टोरी, जो भी अपना एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और या अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना था, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आई नो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, और अभी मुझे सोना नहीं, सब लोगों ने बोला कि चुपचाप रेस्ट पर है, ज़्यादा घूम फिर मत। तो मैं अभी फिर थोड़ा सा उसी पर, क्योंकि मैं एक दो दिन वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा चल रही हूँ, तो ट्राई कर रही हूँ कि काम करने अगर जाना तो लास्ट एक ही बारी मैं काम खत्म करके चुपचाप नीचे आ जाऊँ, और उसको थोड़ा धीरे धीरे करूँ। जैसे कि मैं अगर तीन चार वीडियो बनानी है, मतलब मुझे तो एक साथ सारी वीडियो बना रही थी मैं, तो वो नहीं करूँगी। अब अगर एक दिन में करवानी है तो लास्ट एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ऊपर जाके चुपचाप बैठ बूट के जैसे भी जल्दी जल्दी बनाया, और ज़्यादा वो नहीं करना है ऊपर नीचे, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखूँगी। रेस्ट पर थोड़ा सा जाऊँगी, और अभी रेस्ट पर जाऊँगी क्या, अभी बस ये है कि एक महीने थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और सिर्फ वही एक डेढ़ हफ्ता और थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत वॉक करना शुरू कर दूँगी मैं बाहर, क्योंकि मुझे मम्मी ने और डॉक्टर ने सामने बोल दिया कि थोड़ा वॉक करना शुरू कर देना, और बहुत गर्मी हो रही है। तो या अभी फिलहाल इस वीडियो में तक नहीं था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।